सलाम नमस्ते दोस्तों। आखिरकार आज वह दिन आ ही गया जब डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म RRR सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और लगभग 3 महीने के इंतजार के बाद ऑडियंस को यह फिल्म सिनेमा हॉल्स में देखने को मिल रही है। डायरेक्टर एस राजामौली को बॉलीवुड में बाहुबली फिल्म के मेकर के रूप में जाना जाता है, जो ऐसी फिल्मों का निर्माण करते हैं जिसके अंदर भव्य सेट, भव्य सिनेमेटोग्राफी और भव्य विजुअल इफेक्ट्स हो। और यही सब कुछ हमें बाहुबली के Part 1 और Part 2 दोनों में देखने को मिला था, और यही आपको देखने को मिलेगा एक बार फिर उनकी फिल्म RRR में। और उसकी एक झलक आप फिल्म के ट्रेलर और कुछ गानों में भी देख चुके हैं। डायरेक्टर एस राजामौली के करियर की यह 12वीं फिल्म है और उनके बनाई गई लगभग सारी फिल्में बहुत ही बड़े बजट के साथ होती है। उसके बावजूद भी लगभग उनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पूरा पैसा निकालने में कामयाब रहती है, और ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि RRR के साथ भी होगा, जो लगभग 550 करोड़ के साथ भारी भरकम बजट में बनी है। अब हम आते हैं फिल्म की कहानी पर। तो वैसे तो फिल्म की कहानी लगभग ऑडियंस को 100 साल पहले ले जाती है, यानी 1920 के दशक की कहानी, जब अलीदाबाद जिले के अंदर अंग्रेज यानी ब्रिटिश शासनकाल का राज्य था, और उस समय ब्रिटिश शासन के अत्याचार लोगों के ऊपर बेहद चरम पर थे और उनके अत्याचार और जुर्म से लोग बेहद परेशान थे। उसी वक्त के दो अलग अलग मूड, या यूं कह सकते हैं कि दो अलग अलग प्रवृत्ति के क्रांतिकारी लोगों की कहानी है RRR, जिसमें से एक को अगर आप आग तो दूसरे को पानी कह सकते हैं। वैसे तो यह कहानी है जूनियर NTR और साउथ के सुपरस्टार रामचरण। जहां जूनियर NTR आपको भीम के किरदार में नजर आएंगे, वहीं रामचरण राम का रोल प्ले कर रहे हैं। जूनियर NTR यानी भीम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई यानी यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और उन्हीं अपनी इस आवाज उठाने से अंग्रेज उनसे बेहद परेशान हैं और वह उन्हें किसी भी हाल के अंदर जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यानी रामचरण ब्रिटिश शासन काल के अंदर एक बहुत ही यूं कह सकते हैं कि खतरनाक पुलिस अधिकारी है, जिनके नाम से ही सारे क्रांतिकारी या सारे अपराधी डरते हैं, और ब्रिटिश शासन उन्हें भीम यानी जूनियर NTR को पकड़ने का जिम्मा देती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो भीम को जिंदा गिरफ्तार करेगा उन्हें एक ऊंचा पद दिया जाएगा। हालांकि इस पद पर जाने के लिए राम का खुद का भी एक अपना मकसद और रहस्य है, जो कि फिल्म में ऑडियंस के सामने बाद में खुलता है। बात करें फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहद ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड फास्ट है और उसके अंदर जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी और भव्यता दिखाई गई है, वह ऑडियंस की आंखों को देखना बेहद ही सुहावना लगता है। लेकिन फर्स्ट हाफ के मुकाबले में जो फिल्म का सेकंड हाफ है, उसकी गति थोड़ी धीमे है, और इंटरवल के बाद की लगभग 30 से 35 मिनट की फिल्म ऑडियंस को थोड़ी बोरियत महसूस करवाती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ के अंदर पूरी तरह से भारी पड़े हैं जूनियर NTR। आप यूं कह सकते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से जूनियर NTR की फिल्म है। उसके बाद फिल्म की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और अनजाने में ही जूनियर NTR और रामचरण तेजा दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, और तब तक इन दोनों को यह पता नहीं होता कि वह हकीकत में वह क्रांतिकारी है जिसे रामचरण पकड़ना चाहते हैं। और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और दोनों के सामने एक दूसरे का सच आता है, तब क्या वह अपनी दोस्ती भूल जाएंगे या अपने मकसद में कामयाब होने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे, यही सब कुछ फिल्म के अंदर बाद की कहानी में दिखाया गया है। अब हम आते हैं फिल्म के अच्छे पक्ष पर। फिल्म का अच्छा पक्ष है इसके भव्य सेट और सिनेमेटोग्राफी, जो आपको एक अलग ही लेवल, या यूं कह सकते हैं कि एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।
लगभग 100 साल पहले की ब्रिटिश शासनकाल की कहानी को डायरेक्टर SS राजामौली ने ऐसी खूबसूरती के साथ भव्य सेट के अंदर पिरोया है कि ऑडियंस को कई सीन्स के अंदर तो पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल बात करें तो फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी पर भारी पड़ती है। फिल्म की कहानी में वह बात नहीं है जो ऑडियंस को इतने लंबे समय तक सिनेमा हॉल के अंदर बैठे रहने पर मजबूर करे। उसके बाद अगर हम आते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स पर, तो फिल्म का क्लाइमैक्स जरूर रामचरण ने इस तरीके से उस क्लाइमैक्स के अंदर परफॉर्मेंस दी है और राजामौली ने फिल्म का क्लाइमैक्स इस तरीके से शूट किया है कि वह आपके 30 से 35 मिनट की बोरियत को दूर करने में जरूर कामयाब होता है। कुल मिलाकर फिल्म का आखिरी संदेश है धर्म निरपेक्षता, जिसके अंदर डायरेक्टर SS राजामौली ने यह दिखाने की कोशिश की है कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर हर धर्म के लोगों ने मिलकर योगदान दिया था और तभी जाकर इतने लोगों के बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो यह थी बात डायरेक्टर SS राजामौली की आज रिलीज हुई फिल्म RRR के बारे में। जूनियर NTR और रामचरण के अलावा आपको बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन और आलिया भट्ट भी फिल्म में देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ करने को ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन जब भी अजय देवगन स्क्रीन पर जितनी भी देर के लिए आते हैं, ऑडियंस को वो देखना अच्छा लगता है और सिनेमा हॉल्स में तालियों और सीटियों की गूंज सुनाई देती है। जल्दी मिलेंगे नए बॉलीवुड टॉपिक पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आपसे मुलाकात करूंगा नए किसी बातचीत के साथ।